सीधा मुद्दे पर आते हैं। स्टेप वन क्लेंसिंग। सबसे पहले हम क्लेंसिंग करेंगे। क्लेंसिंग के लिए हमें कच्चा दूध चाहिए। अच्छे से मसाज करते हुए चेहरे को साफ कर लेना है और चेहरे को रुई से साफ करना है। एक्सफोलिएट। एक्सफोलिएशन करने के लिए हम गेहूं का आटा और दूध लेंगे, लेकिन जिसकी स्किन ऑयली और कॉम्बिनेशन है वो लोग गुलाब जल का उपयोग करेंगे। हल्के हाथों से स्क्रब करेंगे और खुद महसूस करेंगे कि आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार हो रही है। फिर आपको गीले सूती कपड़े से चेहरे और गर्दन को अच्छे से साफ करना है। स्टेप थ्री मसाज फॉर ब्लड सर्कुलेशन। मसाज करने के लिए हमें बाजार के प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ दही और शहद को मिक्स करके मसाज करें 10 मिनट। आपको मसाज करते समय ही जो ब्लू फील होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं इंतजार करूंगी आपके कमेंट्स का। और गीले सूती कपड़े से साफ करें। अब जितने भी पोर्स खुले हैं उनमें ग्लो आएगा और साथ में ग्लो को बनाए रखने के लिए हमें खुले पोर्स को लॉक भी करना होगा। जब फुल फेस पैक फॉर लॉक शाइनी ग्लो एंड सॉफ्टनेस। हमें मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर, दही, शहद, गेहूं का आटा सबको अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना देना है और लगा के कम से कम 90% सूख जाने तक रखना है और साफ कर लेना है। आप जो महसूस करें कमेंट करना और कुछ पॉज जितने होते हैं उन्हें लॉक करने के लिए 2 मिनट की आइसिंग करना और मॉइस्चराइज करना और फिर सबको कहना सबसे महंगे पार्लर से फेशियल करवाया है 2000 रुपए लगे।